हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है काउंटर एंड रजिस्टर, उसको आगे हम डील करेंगे, ठीक है। उससे पहले काउंटर एंड रजिस्टर पहले से पहले एक बार मैं सिक्स वेरिएबल के मैप और डील करता हूँ, क्योंकि सिक्स वेरिएबल के मैप में बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आपका सिक्स वेरिएबल या फाइव वेरिएबल के मैप है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से बोर्ड पे कंसंट्रेट करिएगा, क्लियर। तो आइए, हमारा मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ये देखिए फंक्शन आपके पास है ए बी सी डी ई, फाइव वेरिएबल ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू दिया है समेशन स्मॉल एम, ठीक है, जीरो वन थ्री फाइव सेवन, ठीक है। सेवन के बाद है आपका थर्टीन, थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन, ठीक है, फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नाइन थर्टी वन, कुछ भी दिया रहे। मान लीजिए एक फंक्शन हमने ले लिया, इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये फाइव वेरिएबल है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 16 का फोर वेरिएबल में हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक ए के लिए बनाएंगे, एक ए बार के लिए बनाएंगे, जो ऑलरेडी मैं के मैप में डिस्कस कर दिया हूं फाइव वेरिएबल के मैप में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताता हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए ध्यान दीजिए। हमने फाइव वेरिएबल एक के मैप लिया, तो ये फॉर ए के लिए, ए बार के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, और यहां पे मैं इधर ले रहा हूं ए के लिए, ठीक है, ए बार के लिए। ये देखिए मैंने एक ले लिया 16 का ब्लॉक ले लिया, ये देखिए 16 ए बार के लिए मैंने ले लिया, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा 16 का हमने ले लिया, थोड़ा हम फास्ट करते हैं। यहां पे हमने ले लिया बी सी, ए को तो हमने मैप कर दिया है, बी सी और क्या ले लिया डी ई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह ए के लिए, ये देखिए ए के लिए भी हम 16 का ले लिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये फाइव वेरिएबल के मैप। अगर आपके सिलेबस में फाइव वेरिएबल के मैप लिखा है, सिक्स वेरिएबल के मैप लिखा है, तो फाइव वेरिएबल के मैप तो आना ही आना है पेपर में, अगर ये लिखा है तो। तो ए बी सी इधर भी हमने ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया डी, ये कैसे ले रहे हैं, दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, और इनकी वैल्यू भी आपको पता है, ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ठीक है, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, फिर इसके बाद ये हो जाएगा थर्टी थर्टी वन, ठीक है। तो इस तरह से 31 तक जाएगा, 5 वेरिएबल है तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 0 से 31 तक कितना होगा आपका 32, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, आप देखिए इस पोजीशन को भरना है, तो 0 पोजीशन पे आपको 1 भर देना है, तो ये 0 पोजीशन हो गया, फिर इसके बाद 1 पोजीशन पे 1 भरना है तो 1 भर दिया, फिर इसके बाद ये 2 है 3 पोजीशन पे 1 भरना है तो 1 भर दिया, फिर इसके बाद ये 4 ये 5 पोजीशन पे 1 भरना है तो 1 भर दिया,
फिर इसके बाद सिक्स एंड सेवन पोजीशन पे वन भरना है तो भर दिया। फिर इसके बाद आ जाइए, ये हो जाएगा ये एट नाइन टेन इलेवन, फिर ट्वेल्व थर्टीन, ये थर्टीन है, थर्टीन पे वन भरना है तो भर दिया हमने, ठीक है, थर्टीन पे वन भरना है तो हमने भर दिया। फिर इसके बाद है आपका फिफ्टीन, ये फिफ्टीन ये हो गया, ठीक है, यहां तक तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए फिफ्टीन के बाद सेवनटीन, तो आपका फिफ्टीन के बाद ये सिक्सटीन ये सेवनटीन हो गया, सेवनटीन पे वन भर दिया, फिर सेवनटीन एटीन नाइनटीन, नाइनटीन पे वन भर दिया। फिर इसके बाद देखिए नाइनटीन के बाद ट्वेंटी फाइव है, तो ट्वेंटी फाइव पे है, ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स, ठीक है, ये देखिए ये हो गया सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, नाइनटीन के बाद ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव पे हो गया, ट्वेंटी फाइव पे भर दिए, ट्वेंटी फाइव पे ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन, ये हो गया ट्वेंटी सेवन, ये ट्वेंटी एट हो गया, ये ट्वेंटी नाइन हो गया, ये ट्वेंटी नाइन हो गया, फिर इसके बाद ये थर्टी या थर्टी वन हो गया। ये देखिए इन पोजीशनों पे हमने के मैप से भर दिया, अब ध्यान से समझिए। अब इसके बाद देखिए, अब इनमें हमने आप लोगों को के मैप के कुछ रूल बताए हैं, के मैप के हमने कुछ रूल बताए हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म, फिर इसके बाद इंडिविजुअल पेयर, इंडिविजुअल टर्म, फिर इसके बाद इंडिविजुअल टर्म लेंगे, फिर इसके बाद इंडिविजुअल पेयर विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड ऑक्टेट हेक्सा 32, ठीक है, फिर इसके बाद ओवरलैपिंग पेयर विच इज पार्ट ऑफ क्वाड ऑक्टेट हेक्सा, क्लियर, फिर इसके बाद इंडिविजुअल क्वाड विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टेट हेक्सा, क्लियर, ये ओवरलैपिंग क्वाड, फिर इसके बाद ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर आपके मैप का देखेंगे तो उसमें मैं डील कर चुका हूं, ठीक है। तो आइए उसको देखते हुए आप ध्यान से समझिएगा, इस वन को देखिए, ये पूरा डब्बा उठा के इस पे रखिए, ओवरलैप कराइए, अगर जिस जिस अगर इन सारी पोजीशनों पे वन रहता, इधर भी सारी पोजीशनों पे रहता, तो इसका आपका आपका टू टू फोर टू फाइव, ये कितना हो जाएगा एट, या और इसका एट, एट और एट है सिक्सटीन का पेयर बना देते, क्लियर। तो यहां पे देखिए, यहां पे तो है नहीं प्रेजेंट तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी देखिए जब भी आपको कभी भी फाइव वेरिएबल के मैथ सॉल्व करना है तो इस डब्बे को उठाइए और इस पे ओवरलैप कराइए। तो देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल देखिए, इसका यहां पे कुछ नहीं है, तो ये देखिए इसका इससे पेयर बन जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसका इससे पेयर बन जाएगा, आपको ये समझ जाना चाहिए, इसका इससे पेयर बन जाएगा, क्लियर। इसका इससे पेयर बन जाए, नहीं ये तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अभी हमें, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें इसके बारे में सोचना है कि इस वन के बारे में क्या करेंगे, इस वन का देखिए क्या बन जाएगा, आपका पेयर बन जाएगा, इस वन का इंडिविजुअल पेयर बनेगा, क्लियर हो, इस वन का पेयर बन गया, आप तो क्लियर हो गए। फिर इसके बाद आप ध्यान से समझिए, ये देखिए ये एक क्वाड बन जा रहा है, ये देखिए एक क्वाड ये बन जा रहा है, एक एक क्वाड बन गया, क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये एक क्वाड बन गया। फिर देखिए जब इसका इस पे रखेंगे, इसका इस पे रखेंगे तो यहां से ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को लेके, इसको लेके और इसको लेके, इसको देखो भी ये भी पेयर बन सकता है, ये देखिए ये क्वाड एक और बन जाएगा, ठीक है, इधर भी एक क्वाड बन जाएगा। फिर देखिए इस पोजीशन को देखिए ध्यान से, इसको अगर इस पे हम मैप करें तो इधर देखिए इस दोनों के लिए, ये देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं, ये एक इसको ले लीजिए इस तरह से, इसको इस तरह से ले लीजिए और इसको ले लीजिए इस तरह से, तो आप देखेंगे ये दोनों फिर से एक क्वाड बनाएंगे, ये दोनों फिर से एक क्वाड बनाएंगे, और इसका ये देखिए इसका चाहे तो आप इससे एक क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, या यहीं पे इसका पेयर बना सकते हैं, दोनों से एक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं इससे पेयर बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए इसका यहां से और यहां से इसका पेयर बना सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जानते हैं ये क्या है, B बार है, ये C बार, ये क्या है B बार C, और ये क्या है BC,
और ये क्या है बीसी बार, और ये क्या है डी बार ई है ई बार, और ये क्या है डी बार ई है, और ये क्या है डी ई है, और ये क्या है बी ई बार है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ये बी बार सी बार है, ये बी बार सी है, ये बी सी है एंड ये बी सी बार है। ग्रे कोडिंग आप लोगों को पता ही है, ये डी बार ई बार है, फिर इधर देखिए ये डी बार ई है, फिर इसके बाद ये डी ई है, और ये क्या होगा डी ई बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पेयर के लिए लिखते हैं। इस पेयर के लिए देखिए, जब दोनों में मैप करेगा तो ए एंड ए बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए बार इक्वल टू वन हो जाएगा, क्लियर। तो उसकी इसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं होगी, लेकिन जब इंडिविजुअल लिखेंगे तो इसके इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। तो इस पेयर के लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इस पेयर के लिए लिख रहा हूं, इस पेयर के लिए लिख रहा हूं, तो इसमें ए बार आ गया, देखिए देखिए ध्यान से ए बार आ गया, और इसमें कॉमन क्या है आपका बी बार है एंड सी बार है, क्लियर। और इन दोनों में और क्या कॉमन है डी बार, तो ये देखिए इसके लिए कंप्लीट हो गया, इसके लिए कंप्लीट हो गया, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, ए बी बार सी बार डी बार, ये हो गया कंप्लीट। फिर देखिए अगर मैं इसके लिए लिखूं, इसके लिए एक पेयर और बना है, इसके लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखे ए लिख दिए, ए लिख दिए, और देखिए इन दोनों में सेम क्या है सी बार, इन दोनों में सेम क्या है सी बार, देखिए यहां पे सी बार है, यहां भी सी बार, इस पेयर के लिए लिख रहा हूं, फिर यहां पे आ जाएगा सी बार, और इन दोनों में फिर इसके बाद आ जाएगा डी बार और ई, तो ये तो कंप्लीट हो गया। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पेयर है वो वन वेरिएबल को रिड्यूस करता है, तो एक एक वेरिएबल रिड्यूस कर रहा है, तो फोर वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्वाड की बात करूं, ये देखिए एक क्वाड ये बना हुआ है, अगर इस क्वाड की मैं लिखने चल रहा हूं तो इस क्वाड में यहाँ पे सेम क्या है, यहाँ पे सेम ए बार लिखा ही जाएगा, ए बार तो कॉमन रहेगा क्योंकि दोनों में थोड़ा है, तो ए बार और इन दोनों में से क्या है सी कॉमन है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है ई, तो ए बार सी इसका हो गया, ए बार सी इसका हो गया, आप कंप्लीट समझ गए यहां तक, ए बार सी इसका हो गया। अब आइए ध्यान दीजिए, ए बार सी इसका होने के बाद, और देखिए एक पेयर एक क्वाड और मैं बनाई, एक क्वाड ये इसको इसको लेके एक क्वाड बनाया गया है, इसको और इसको लेके क्वाड बनाया गया, तो इन दोनों में ए बार तो आएगा, ए बार तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, देखिए एक क्वाड इसको और इसको लेके मैं बनाया हूं, तो ए एंड ए बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है बी बार एंड सी बार है, बी बार एंड सी बार है, ध्यान से समझिएगा, बी बार एंड सी बार, और दोनों में सेम क्या है ई है, तो बी बार सी बार और क्या है ई, बी बार सी बार एंड ई, आप ये समझ गए होंगे बी बार सी बार एंड ई। अरे भाई ये देखिए जब इसको उठा के इस पे रखोगे तो ए और ए दोनों क्वाड बना रहे हैं, तो इसमें ए एंड ए दोनों में लिखेंगे तो ए एंड ए बार नहीं लिखेंगे, जब इंडिविजुअल में अगर क्वाड बन रहा है तो ए बार एंड ए की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इन दोनों में आ गया तो ए एंड ए बार छोड़ दिया, इन दोनों में सेम क्या है यहाँ पे बी बार सी बार, तो बी बार सी बार लिख दिया, देखिए लाइन में सेम है, इधर भी सेम है, इन दोनों में और यहां सेम क्या है ई, ई सेम है, तो हमने लिख दिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहां तक, ये आप समझ गए होंगे। फिर देखिए जब आप इसको उठा के इस पे रखेंगे तो एक ये और एक मिलके और एक क्वाड बन रहा है, एक इसको और इसको मिला के ये भी क्वाड ही बना रहा है, ये भी क्वाड है, ध्यान रखिएगा, इसको पेयर मत समझ लीजिएगा, किसको किसको मिला के, इसको मिला के, इसके मिला के, ये देखिए इसको मिला के क्वाड बन रहा है, तो इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम क्या हमारे पास है बीसी सेम है, बीसी क्या है सेम है, बीसी सेम है, और इन दोनों में इधर सेम क्या है ई, तो ये फाइनल आंसर आएगा जब आपका फाइव वेरिएबल की मैप आए, तो आप इस तरह से सॉल्व करिए, इसको उठा के इस पे रखिए, अगर सारे अगर कॉमन आ रहे हैं सारे एलिमेंट जो वो हैं, तो आप मैक्सिमम बनाने की कोशिश करिए जो मैंने उसके रिगार्डिंग रूल बनाए,
रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये आपने समझ गया, ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर। एक क्वेश्चन और आया है आईएएस के पेपर में आया है, आईएएस 2004 में आया है, ठीक है, आईएएस 2004 में आया है। अगर मैं मान लीजिए कोई हमको एक्सप्रेशन दिया जाए, बोला जाए कि हमें ये आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर जैसे हमें ये दिया था, इससे हमें क्या ये कैलकुलेट करना था, कभी कभी क्या कर देता है, ये दिया रहता है, इससे हमें ये कैलकुलेट करना होता है किस पोजीशन पे किस में हमें रिक्वायरमेंट होगी, और वो पोजीशन लिखने के लिए, मतलब फंक्शन लिखने के लिए। मेरी बात समझ गए, फंक्शन से मिनिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन से फंक्शन, दो तरह से केवीएम पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये फंक्शन दिया है, इससे आपने क्या निकाला, इसको मिनिमाइज करके मिनिमाइजेशन निकाल दिए, मिनिमाइज करके केवीएम से सॉल्व करके। कभी कभी ये मिनिमाइजेशन देता है, इससे हमें फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो सेम यही प्रोसीजर है, और इसी तरह से जैसे इसमें देखेंगे ये कितने वेरिएबल हैं और ये किन पोजीशन पे है, उन पोजीशन पे वन भरेंगे, उन पोजीशन को वहां पे लिख देंगे, तो हमें फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो के मैप में आपको 6 वेरिएबल हो या 5 वेरिएबल हो, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। आज एक 6 वेरिएबल के मैप के लिए आज इतना ही, थैंक यू, ठीक है।